विकलांग असहाय व्यक्ति खड़ा हुआ मोदी जी की और योगी जी की माँ और वो ऐसी गंदी गंदी गाली बकरा था जो जिसको सुनकर जो है इंसानियत तो क्या चीज़ है कि हैवानियत भी जाग उठेगी। और उसको अपना हवा में डंडा लहरा रहा था, उसको देखकर किसी ने ये नहीं देखा कि उसको कोई बचा देता, उसको कोई रोकता। तो अब मैं इत्तेफाक ये है कि जब मैं उतरा गाड़ी से तो मैंने ये सारा माजरा देखा, लेकिन यह है कि मैंने उसका उसको बचाने की उसको हटाने की बात से बात कही, उसको समझाया, समझाकर उसको मैं बचा कर ले गया, लेकिन वो शराब के नशे में धुत था। मुझे ऐसा लगता था कि वो किसी का उकसाया हुआ, किसी के ज़रिए खड़ा किया हुआ एक सोची समझी साजिश के तहत, और मुझे लगता है कि एक शाह टाइम्स के एक पत्रकार थे जो हमेशा बीजेपी की मुखालफत तो नहीं करती है, जिसका केंद्र में और यूपी में सरकार बनी हो, पूर्ण बहुमत हो और जिससे सारे दल गायब हैं, तो वो उसी का एक हिस्सा था जिसको जो है एक टारगेट बनाकर पेश किया जा रहा था। अब मैंने उसको समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान पाया। मैंने इत्तेफाक ये था कि मैंने उसका डंडा लेके और उसको थोड़ा सा इस गरज से कि वो हट जाए, डर जाए, सहम जाएगा, हट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जैसे लोगों ने ये बना लिया कि मैं उस पर डंडा फेर रहा था और मैं उसको मार रहा था। इस तरह की कोई घटना ऐसी नहीं थी या मुंह में कोई डंडा करने की बात थी। लगता ऐसा ही है जैसे मैंने उसे धमकाया, डराया, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं था। उसको किसी जरिए ना किसी के ज़रिए से वहाँ जमाया गया था। नहीं, मैंने गलती तो नहीं की। मैं गलती अगर करता तो मैं ज़रूर क्षमा मांगता, लेकिन मैंने इस तरह की कोई गलती नहीं की जो मैं उससे क्षमा मांगूँ। तो असहाय है, कमज़ोर व्यक्ति है और एक बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता को फंसाने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने ऐसी गलती की होगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है, तो मैं उसके माफ़ी मांगना तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उसके पैर धोकर पीने को तैयार हूँ। आप क्या मानते हैं कि किसी दूसरी पार्टी के लोगों की साजिश है, ये क्या है? ये मैं मानता नहीं, अब तो मैं जान भी गया चूँकि मैंने कल का अखबार भी पढ़ा। ये एक मुजफ्फर है, इसके शाह टाइम्स के पत्रकार, ये सब उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत उसको खड़ा किया था। और वहाँ चूँकि और भी लोग थे बीजेपी के अच्छे, जो हमारे बड़े नेता भी लोग थे एक दो अंदर, तो उनको फंसाने के लिए इत्तेफाक था कि मैं अब उसको बचाने लगा।